Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, आप सबका स्वागत है इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एकादशी के बारे में। तो एकादशी जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। भक्तों ने ठाकुर महाराज बोलते हैं कि माधव तिथि एकादशी जो है भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और भक्ति को उत्पन्न करने वाली है, इसलिए इसका दृढ़तापूर्वक प्रयासपूर्वक पालन करना चाहिए। तो एकादशी की ही श्रृंखला में जो ये एकादशी है, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में दो बार आती है, एक श्रावण मास में और एक पौष मास में। तो इस बार पौष मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है वही है पुत्रदा एकादशी। तो भगवान श्री कृष्ण सारी एकादशियों को अत्यंत पसंद करते हैं, बहुत ही उनको प्रिय है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही विशेष अवसर होता है। तो इस एकादशी के बारे में भी महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे महाराज, हे भगवान, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे कृष्ण, हे यादव, आपने जो है मुझे सफला एकादशी के बारे में बताया, अब जो है मैं आपसे पौष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ, तो इसके बारे में भी आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि ये जो पौष मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी और ये अत्यंत पवित्र एकादशी है। इसके समान जो है पूरे संसार में और कोई व्रत नहीं है। एकादशी सारे व्रतों का राजा है। एकादशी का व्रत कोई करता है तो भगवान उससे बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इसके समान कोई व्रत नहीं है। तो और जो इसका पालन करता है, पुत्रदा पुत्र देने वाली है, पुत्र देने वाली, धन संपत्ति देने वाली, तप, लक्ष्मी, विद्या, सब कुछ देने वाली है एकादशी। भगवान की कृपा से जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है वो विद्वान हो जाता है, लक्ष्मीवान हो जाता है, पुत्रवान हो जाता है, धनवान हो जाता है, कई प्रकार से उसका ऐश्वर्य बढ़ जाता है। तो इससे संबंधित जो है भगवान एक कथा सुनाते हैं, रियल एक्सपीरियंस, रियल स्टोरी, जो कि वास्तव में इसका लाभ किसी को मिला हो, ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो बोलते हैं भद्रावती नामक एक नगरी थी, वहाँ पर सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। तो वो बहुत समृद्धशाली राजा था, बहुत बुद्धिमान भी था और बहुत सज्जन था। और उसकी पत्नी थी सेव्या, पर उसका समस्या क्या था, उनके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण से वो बहुत दुखी रहता था। और उनके जो पितृ थे, पितृ जो है उनको जो है पिंडदान किया जाता है, वो आशा करते हैं कि हमको कोई पानी दे, हमको कुछ खाना अर्पित करे, तो वो भी बड़ा दुखी होते थे, क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था तो टेंशन में रहते थे कि आगे जो है इसके बाद में हमको कौन पिंडदान करेगा। और राजा भी चिंतित रहता था कि मैं, मेरे को कौन पिंड देगा, तो इसलिए बहुत दुखी होता था। पर कोई उपाय नहीं मिल रहा था, पुत्र हो ही नहीं रहा था, सारे उपाय कर लिए पर फिर भी नहीं कुछ हुआ। तो लास्ट में जो है राजा बहुत दुखी हुआ, सारे उपाय ढूंढने के बाद में भी कोई सफलता मिल नहीं रहा था। तो एक दिन जो है दुखी होकर वो जंगल में चला गया। जंगल में जाकर देखा तो वहाँ पर जो है कुछ ऋषि मुनि इकट्ठे हो थे, बहुत सारे ऋषि थे, तेजस्वी ऋषि थे। तो उसने क्या किया, उन तेजस्वी ऋषियों से प्रार्थना किया, उनसे जो है प्रार्थना किया, उनके पास गया। तो उसके मन में तो यही था, पुत्र प्राप्ति का इच्छा था, और पर सब तरफ से दुखी हो चुका था। इसलिए जो है पहले एक बार उसने आत्महत्या का भी प्रयास किया था पर मर नहीं पाया, क्योंकि उसको पता था कि आत्महत्या महापाप है। तो जब ऋषियों के पास गया तो ऋषि ने जो है, बहुत दयालु होते हैं भक्त जो है, सबके प्रति करुण सदैव होते हैं, करुणा करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो, तो राजा ने बताया कि मैं जो है, मेरे पास सब कुछ है पर कोई पुत्र नहीं है, इसलिए जो है मैं बहुत दुखी हूँ। तो सब लोग जो है बोले ना, सारे ऋषि मुनि जो है बहुत दिव्य तेज से तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। तो राजा को लगा कि ये महान है ना, ये कुछ कर सकते हैं। तो राजा के व्यवहार से, राजा के बर्ताव से वो बहुत खुश हुए,
राजा के जो बोलचाल की भाषा थी उससे, राजा बहुत सज्जन था, तो उन्होंने बोला कि आप बताओ कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो राजा ने बताया बाद में कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो आगे जो है मेरा पिंडदान कैसे होगा, इसी कारण से जो है मैं बहुत चिंता में हूँ। तो ऋषि ने बोला कि आज अगला दिन जो है, कल जो है एकादशी तिथि है, और ये एकादशी का नाम ही है पुत्रदा एकादशी। तो इस एकादशी को अगर कोई भगवान माधव, भगवान केशव की पूजा करता है, उनके लिए व्रत संकल्प पूर्वक व्रत करता है, तो उसको जो है निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा, और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जो है हमारे साथ में ही रहो और इस एकादशी का पालन करो। तो राजा जो है वहीं रुका उनके साथ, उन्होंने जो है नियम पूर्वक एकादशी तिथि का पालन किया, व्रत किया, भगवान के नाम का जप किया, कीर्तन किया, और द्वादशी को पारण भी किया, और फिर जो है सारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा जो है वापस अपने राज्य में चले गए। उनका शोक दूर हो गया, और बाद में जो है रानी गर्भवती हुई और उनके जो है एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बताए कि ये जो पुत्रदा एकादशी है उसके पालन से सभी का कष्ट दूर हो जाता है, सभी प्रकार का जो कष्ट है वो दूर हो जाता है, और सभी प्रकार की समृद्धि हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे राजा के पुत्र उत्पन्न हो गया, वैसे ही जो है कोई भी अगर व्यक्ति इसको कार्य इस एकादशी का व्रत पालन करता है तो उसके भी सूरवीर यशस्वी प्रजापालक ना सभी प्रकार के गुणों से संपन्न पुत्र उत्पन्न हो सकता है, भगवान की कृपा हुई तो। कई बार जो है भगवान विशेष योजना रखते हैं हमारे लिए, तो आवश्यक नहीं है कि पुत्र उत्पन्न हो, पर जो है जो भी करेंगे भगवान अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए एकादशी तिथि का हमको अवश्य पालन करना चाहिए। तो भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज से बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति करवाने वाली इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, और जो इस कथा को इस महात्म्य को सुनता है उसको भी जो है बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है इस कथा को भी सुनना चाहिए, इसके बारे में जो है शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, आप सभी एकादशियों का व्रत कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए। कृपा जी ने बताया ज़्यादा जप करना चाहिए, ज़्यादा भक्ति करना चाहिए, जिससे कि जो है भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ पाए। तो यही जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। हरे कृष्णा, पुत्रदा एकादशी की जय।